आदमी पार्टी के चुनाव समिति के चेयरमैन अशोक तंवर ने किया विभिन्न नदियों व बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना। चंडीगढ़ हाईवे, टांगरी नदी, मोड़ा गांव, अंबाला कैंट का किया मुआयना। पूरे हरियाणा में लोगों की लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, अभी भी पशु फंसे हुए हैं। अशोक तंवर, सरकार लोगों को राहत दे और लोगों को बचाने का काम करे। अशोक तंवर, लोगों से अपील की है कि बेवजह यात्रा करने से बचें। दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर पानी भरा होने के कारण कई घंटे जाम है। आपके सभी कार्यकर्ता लोगों की हर संभव मदद करे। साथियों, ये भाइयों का ये सामने देख रहे हो, लाल वाला जो कोठड़ा है वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ पांच लोग तो निकाल लिए लेकिन अभी भी पशु उसमें फंसे हुए हैं, जानवर उसमें हैं। और ये भाई कह रहे हैं कि आज से पहले कभी इन्होंने इतना पानी घर में नहीं देखा है। तो मैं आगे जो हमारे पंजाब के साथी है, टोहाना, रतिया, सिरसा, साथी है, थोड़ा सा आप भी आगे सावधानी रखें, अपने पशु, अपनी फसल जो भी बचा सकते हैं, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है और पीछे भी बहुत बारिश हो रही है। चंडीगढ़ से लेकर के यहाँ तक हम देखते हुए आए हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। और ये गौशाला जो है वो शाहबाद मारकंडा, देखिए मारकंडा मंदिर, और ये पूरा वो गौशाला भी देखिए, इसको करिए ताकि हम अपने गौशाला है, ये गौशाला वो आप देख सकते हैं। नहीं, पर ये तो पानी तो ऊपर ही आ लिया है। हाँ जी, अंदर पहुंच गया है पानी, उनको एक बार वैसे तो कर रहे हैं। ऐसा घग्गर का नजारा जैसा ये है, आज तक हमने कभी अपने जीवन में, घग्गर सिरसा जाती है, आगे राजस्थान जाती है और पाकिस्तान भी जाती है, लेकिन इतना रौद्र रूप जो है वो कभी हमने इस घग्गर का नहीं देखा। 30-30 फीट पानी चल रहा है इस घग्गर में, और पूरा चंडीगढ़ आज हम आए थे, कल हमारा बिजली आंदोलन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने करी थी, उसके बाद आज मीटिंग रखी थी, लेकिन चारों तरफ तो पंचकूला चंडीगढ़ जाम है। और ये घग्गर भी आप देख रहे हैं क्या हाल है। मैं तो सभी साथियों से यही एहतियात के तौर पर सभी से ये गुजारिश करूँगा कि पूरी सावधानी रखें और जब तक आवश्यक ना हो तब तक जो है घरों में रहें। और ये भी अपील करूँगा मैं सारे हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं से, साथियों से, कि भाई जहाँ भी दुख सुख में कोई भी मर्द मदद लोगों को आवश्यकता हो इस घड़ी में, उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हों, खासतौर से गरीब आदमी, क्योंकि उसकी झोपड़ी बह भी जाएगी और भी दिक्कत होगी। जो कच्चे घर हैं, जो गरीब आदमी है खासतौर से, उसका, किसान का, मजदूर का, उनका विशेष ध्यान रखें। और जो भी कहीं पीड़ित हो, दुखी हो, उसका हर तरीके से मदद करें। सर जी, पंचकूला प्रशासन है यहाँ पे 124 आ गई है और लोग यहाँ फिर भी आ रहे हैं, कोई यहाँ पे अधिकारी या कोई प्रशासन नहीं है। कहाँ पर? 104 घग्गर नदी के पास, घग्गर नदी के पास लगी हुई है। लोगों को इसीलिए हम कह रहे हैं, वही देखने के लिए मैं, कि 144 के बावजूद भी यहाँ कोई प्रशासन एहतियात बरत रहा है या नहीं बरत रहा, ये सब हम देखने के लिए आए हैं। और मैं साथियों से भी गुजारिश करूँगा कि जितनी सावधानी हो सके उतनी सावधानी बरतें और प्रशासन इस पर खास तौर से ध्यान दे। चुनाव आने वाले हैं, क्या कहना चाहते हो आप? भाई चुनाव तो क्या ही है, अभी तो ये घग्गर और लोगों को, अब किसान पहले बेचारा, उसको बिजली नहीं मिलती, वो फसल नहीं बो पाता, और अब इतना पानी बरस जाएगा तो किसान का धान भी खराब होगा, नरमा भी खराब हो गया, तो किसान की तो फिर मार है। पहले सरकार मारती है, फिर जो है ये प्रकृति की मार हो जाती है, इंद्र देवता की मार होगी। तो अब तो यही है कि भाई बस ये किसी तरीके से रुक जाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।